दोस्तों, अगर आपका अकाउंट ICICI बैंक में है तो आपको अब बैंक जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप सारा काम अपने WhatsApp से ही कर सकते हैं। मैं आपको एक ICICI का ऐसा WhatsApp नंबर देने वाला हूं जिससे आपका सारा काम हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर WhatsApp के बोट को ओपन कर लिया है और यहाँ पर हाई लिख कर भेजना, तब ये बोट आपको रिप्लाई करने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने हाई लिख कर भेज दिया और उधर से रिप्लाई आ चुका है। आप यहां ऑल सर्विस पर क्लिक करके बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे अगर आपका ATM खो चुका है तो आप यहां से इसको ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके यहां पर फेचिंग स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपके ATM का है, और यहां से आपको ब्लॉक करने को बोलेगा। तो मुझे यहां पर कार्ड को ब्लॉक नहीं करना, इसलिए मैं बैक कर देता हूं। अब जैसे मुझे अपना बैंक बैलेंस चेक करना है तो मैं यहां से बैंक बैलेंस पर क्लिक करके नंबर चेक कर सकता हूं। आपको ऑप्शन उसमें मिल जाएगा। तो ये हमारे बैलेंस को चेक करके बता दिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा बैलेंस जीरो है। उसके बाद आप फास्टैग का कोई भी सर्विस देख सकते हैं। जितना भी आप जानकारी चाहते हैं फास्टैग से, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। चाहे तो आप क्रेडिट कार्ड सर्विस भी यहाँ से देख सकते हैं। आपको सारा कुछ इसी में मिल जाएगा। यहाँ से आप अपना एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं बिना बैंक जाए हुए। मान लो अगर आप कहीं अलग रहने चले गए हैं तो आप यहाँ से अपना एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं। आप यहां से मेन मेनू पर क्लिक करके मेन मेनू में जा सकते हैं और यहां से भी बैलेंस चेक कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इसका नंबर दिखा देता हूं। यहां पर आप इसका नंबर देख सकते हैं 86400 और 86400। और इस बोर्ड की सबसे खास बात यह है कि आप यहीं से ही चेकबुक को मंगा सकते हैं। आपको बैंक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहां पर देखेंगे तो चार नंबर पर आपको रिक्वेस्ट चेकबुक का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप इस पर क्लिक करके सेंड कर दोगे तो ये आपका चेकबुक ऑर्डर हो जाएगा। फिर आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते। तो जब भी आप इसे ऑर्डर करिए तो आप ध्यान से कीजिएगा। तो इस बात को आपको ख्याल रखना। और भी यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें जैसे कि नॉमिनी ऐड करने को दिया गया है। यहाँ से आप अपना नॉमिनी भी चेंज कर सकते हैं। बैंक को जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आप अपना नॉमिनी चेंज कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप की तरफ। यहाँ से आप अपने रिसेंट ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कितना आपका पैसा जमा हुआ और कितना यहाँ पर निकासी हुआ है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।